हेलो गाइस, क्या आप भी इंस्टाग्राम की फीड को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं? बिल्कुल ही इस फोटो की तरह। ये देखिए, पहले कैसी थी, अब ये ऐसी हो चुकी है। अगर हाँ तो प्लीज मेरे ट्यूटोरियल को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले तो आपको फोटो इंपोर्ट करना है स्नैपसीड में, फिर टूल्स खोलना है, उसके बाद टेक्स्ट सेक्शन में जाके आपको अपना टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे मैंने तो यार फोटो के हिसाब से मुझे जो सही लगा मैंने वो लिख दिया। आप लोग देख लेना, आपको जो सही लगे वो लिख देना। तो यार एक बात और ध्यान रखना कि कैपिटल में ही लिखना अगर हो सके तो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टाइल चेंज करना है। यार स्नैपसीड में बहुत सारी वैरायटी है, मुझे देखिए मुझे ये वाली पसंद आई तो मैंने इसको अप्लाई कर दी। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद रीसाइज कर लीजिए। रीसाइज अपना काम हो चुका है यहाँ पे आधा, बस यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक करना है। ऊपर एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, उसके बाद आपको व्यू एडिट करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करिए, ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, फिर उसके बाद उस टेक्स्ट को मिटा दीजिए जितना आपके वो आदमी पे या फिर ऑब्जेक्ट पे आ रहा है। ये देखिए मैंने यहाँ से इतना इरेज कर लिया है। यार और एक बात, अगर आप लोग को ये सॉन्ग्स पसंद आते हैं जो मैं पीछे वीडियो के डालता हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है लोगों को पसंद आते हैं सॉन्ग्स और मुझे पूछते हैं कमेंट्स में, तो यार आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जरूर मिल जाएगी। अब देखिए मैंने यहां से इरेज कर लिया है। अब मैं उस हिस्से को पेंट करूंगा जितना मैंने गलती से वाइप कर दिया था। ये देखिए ध्यान से, तो यार इस बार चलो अपन एम करते हैं इस वीडियो पे 30 लाइक्स के। यार ज्यादा बड़ा नहीं है, इतना तो आप कर सकते हो। 30 लाइक्स मतलब समझ रहे हो ना, ज्यादा बड़ी बात है नहीं। तो अपना यहाँ पे पेंट और ब्रश का काम हो चुका है पूरा। उसके बाद आपको टेक्स्ट पे एक बार और क्लिक करना है। एडजस्टमेंट्स में जाके ये बीच में जो ऑप्शन है उससे आपको ओपेसिटी कम करनी है। मैं देखिए यार मुझे जो अच्छा लगा, मतलब हल्की सी ओपेसिटी मैंने कम कर ली है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं बिल्कुल। बस ये करने के बाद आपको यहाँ पे करना है इस फोटो को सेव। यार अभी अपना काम पूरा हुआ नहीं है, अभी फोटो आधी हुई है, अभी तो पिक्सआर्ट को खोलना भी बाकी है। तो यार आपको यहाँ से करना है फोटो को सेव। सेव करने के बाद आपको खोलना है फोटो को पिक्सआर्ट में। तो यहाँ पे देखिए मैंने फोटो अपनी कर ली है इम्पोर्ट पिक्सआर्ट पे। पिक्सआर्ट पे आपको खोलने के बाद यहाँ पे देखिए ड्रॉ का ऑप्शन दिखेगा। ड्रॉ में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शेप्स का भी ऑप्शन दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ये शेप सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप साइज या थिकनेस जो भी बोल लो उसको आपको थोड़ा सा कम कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको वो साइज अपने टेक्स्ट के हिसाब से बना देना है। यहाँ पे कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, मैंने वाइट रखा है क्योंकि ये फोटो के साथ सही लग रहा था और टेक्स्ट के साथ भी। ये देखिए मैंने इस शेप को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाकर छोड़ दिया है, कुछ इस तरह से। आपको जिस हिसाब से एडजस्ट करना है आप कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ड्रॉप करके आपको रबर या इरेजर का सेक्शन चूज करना है। बस उस लाइन को मिटा देना जो आपके टेक्स्ट के ऊपर से या ऑब्जेक्ट के ऊपर से क्रॉस करके जा रही हो, जो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखो अपना काम हो चुका है पूरा। अब बताना आपको ये फोटो कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, तो प्लीज वहां पे आप जरूर बताना कि आपको ये फोटोज कैसी लगी। तो जब तक अपन क्या करते हैं, सैंपल्स देख लेते हैं। ये देखिए कुछ सैंपल्स। और एंड में मैं बस यही बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।